नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाएंगे अरवी की तरी वाली सब्जी। तो अरवी को सबसे पहले हम छील करके हम उसे काटेंगे। सर्कुलर शेप्स में मैंने काटा है, लंबा नहीं काटा है। ये देखिए इस तरीके से, ना बहुत पतला है ना बहुत मोटा। काटने के बाद ही हम इसे धोएंगे और उसके बाद धोने के बाद अब हम इससे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक टेबलस्पून तेल में मैंने ये पंचफोरन लिया है, ये ऐड करेंगे और एक पिंच हींग ऐड करेंगे। पंचफोरन में मेथी दाना, जीरा, सौंफ, कलौंजी और राई होती है और ये रेडीमेड मार्केट्स में अवेलेबल होता है, आप इसे घर पे भी तैयार कर सकती हैं। और अब हम इसमें अरवी डालेंगे और अरवी डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अभी सिर्फ अरवी को ही भूनना है हमें। और एक बार अरवी भून जाएगी, ये देखिए भून गई हमारी अरवी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज जो मैंने बारीक चॉप किया है लंबे लंबे टुकड़ों में। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, ये बिना प्याज के भी अच्छी लगती है। तो अब प्याज को डालकर 7 से 8 मिनट तक हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज और अरवी दोनों भून जाएंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट बाद हमारे प्याज और अरवी दोनों ब्राउनिश भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट लिया है, ये ऐड कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर भून लेंगे। फिर हम इसमें अब ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करके इनको लहसुन के साथ ही हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। आप चाहें तो कोई मसाला जो आप खाते हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर का यूज़ किया है और साथ में धनिया पाउडर के हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाला भूनने के लिए। और इसको भून लेंगे हम तब तक जब तक कि तेल ना छूट जाए सब्ज़ी में से। एक बार तेल छूट जाएगा, इसे होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। उसके पहले हम चेक कर लेंगे कि हाँ अरवी हमारी गल गई है कि नहीं। मेरी अरवी लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। आपको जल्दी हो तो आप पानी प्री बॉइल्ड भी डाल सकती हैं। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसे हम ढक करके लिड लगा करके पकाएंगे। पानी इसमें मैं थोड़ा और डाल दे रही हूँ क्योंकि अरबी को अभी थोड़ा सा और पकना है। अब लिड लगा कर हम इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। पाँच से सात मिनट बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इससे अरबी की जो एक गले में खराश वाला उसका कैरेक्टर होता है वो सप्रेस हो जाता है। और साथ में हरी धनिया, इन दो चीज़ों को लास्ट में ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अपनी सब्ज़ी को डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है आपकी बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्ज़ी।